एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी बुकिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन, आपके पर्सन की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। पहला कार्ड आया है बरगंडी, दूसरा है चैरियट। मूड बहुत ख़राब है आपके पर्सन का, एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी है, एक्सट्रीमली नेगेटिव। किसी न किसी बात को लेकर, कौन सी बात को लेकर ये अभी आगे पता चलेगा, बट देखिए यहाँ पे एनर्जी ऐसी है जैसे ग्रहण लगा हो। राहु और चंद्रमा अगर किसी के कुंडली में साथ बैठ जाए, या चंद्रमा और केतु किसी के कुंडली में साथ बैठ जाए, या सूर्य और राहु साथ में बैठ जाए, ग्रहण लगता है। इसी तरह यहाँ कर्क राशि है और यहाँ डेविल है, जिससे हम राहु भी पकड़ सकते हैं। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन का मेंटल स्टेटस इज नॉट गुड, आपके पर्सन की सोचने समझने की शक्ति पर ग्रहण लगा हुआ है, इन्हें जो करना चाहिए उससे हट रहे हैं। वाइब्स ऐसी है जैसे इमोशनली बहुत अपसेट हैं और इमोशंस में आकर कुछ डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे ये तो अभी और कार्ड से पता चलेगा, बट एनर्जी हैवी है। रीडिंग की शुरुआत बरगंडी से हुई है, इसका मतलब ही एनर्जी में कुछ तो है। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या हैं, आपके फेवर में हैं या अगेंस्ट में, जो आएगा आपको बता दूंगी। 3 more cards, हैरोफेंट, 2 more cards, द वर्ड, 1 more card, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। रीडिंग की शुरुआत टॉक्सिक सिचुएशन से हुई है, एंडिंग पॉजिटिव हुई है, इसका मतलब आपके फेवर में हो सकता है, बट इनका मूड ख़राब है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आज का दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, आपके लिए एक तरह से ये छोटी सी वार्निंग है। और सतर्क रहने का मतलब है कि मजाक मजाक में कुछ बोल मत दीजिएगा, क्योंकि मूड कई बार ख़राब होता है तो इंसान ओवर रिएक्ट कर देता है किसी सिचुएशन में। साइन की बात करें तो वी हैव कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस, कैंसर, अक्वेरियस, ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, मेजरली जो साइन दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी टैरो से सभी साइन आती हैं, इसलिए मेरी कोई भी रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती हैं, एनर्जी बेस्ड होती है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों शुरुआत हुई है डेविल से आपके पर्सन की एनर्जी में। इनके अंदर ये डेयरिंग एटीट्यूड है कि मुझे अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी गुस्से में हैं क्योंकि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनकी फैमिली ने मना कर दिया या कोई अदर रीज़न है, बट ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ लोगों के पर्सन एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ये नई शुरुआत किसके साथ होगी। यहाँ से क्यों आया है चैरियट, चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद मजिशियन। इन्होंने जिसके साथ मैनिफेस्ट किया है उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बिकॉज चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद मजिशियन, मतलब आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर वी हैव 6 of cups, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और जिन लोगों के कारण इन्होंने
आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है या आपसे दूरी बनाई है उनके कारण अपसेट है। बिकॉज चैरियट को मजिशियन ने क्लैरिफाई कर दिया विद सिक्स ऑफ कप्स, मतलब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस कार्ड ने आपको बचा लिया है। इनकी वाइब्स काफ़ी एनर्जी इनकी आपकी तरफ है, बट कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि एंडिंग्स को दर्शा रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे हम। हैरोफेंट, देखिए हैरोफेंट के लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है विद नाइन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन या तो किसी टॉक्सिक मैरिज में अटके हुए हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और या तो फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई एक है जो डर रहा है, या तो दोनों ही डर रहे हैं या कोई एक है जो डर रहा है, किसी बंधन में बंधा हुआ है, बंधी हुई है, या डर रहा है या डर रही है, देख लेना अपने हिसाब से, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं। ये चाहते थे सिचुएशन बैलेंस हो जाए और आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि जो अदर सिचुएशन है वो अगेंस्ट है। इसलिए एनर्जी द वर्ड की आई है। वर्ड को कोई नेगेटिव कार्ड ही आई थिंक क्लैरिफाई करेगा। वर्ड को क्लैरिफाई किया है हैरोफेंट ने। हैरोफेंट के बाद द वर्ड आया और वर्ड को हैरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली रीजंस हैं, आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं या आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, फायर एनर्जी है, लेकिन इनकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं। इनकी प्लानिंग तक सीमित रह रही है जिसके कारण टेन ऑफ सोर्ड्स ये सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। कौन सी सिचुएशन एंड होगी? जो कार्मिक होगी। जस्टिस क्यों आया है? आपके पर्सन शादी का डिसीजन लेने वाले हैं, एक्शन की एनर्जी है। शनि को सूर्य ने क्लैरिफाई कर दिया है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक तरफ आप हैं इनका पार्टनर, आपका पार्टनर के लिए आप लवर ही हुए, तो यहाँ पर लवर की वाइब्स है, और एक तरफ फैमिली है, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, सूर्य। तो यहाँ पे शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। कार्मिक एनर्जीज यहाँ पर ट्रिगर होंगी बहुत बैडली, क्योंकि यहाँ से वी हैव पेज रिप्रेजेंटेड्स प्रिंस और प्रिंसेस। सो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रही हैं आज के दिन में आपके पर्सन और उनकी फैमिली या उनकी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, निकल जाएंगे ऐसी वाइब्स है। जब जब ऐसी एनर्जी आई है मैसिव यूनियंस हुए हैं और बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आए हैं, आपने कमेंट करके बताया है, तो होपफुली फिर से ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है और आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं। होप रखिए बिकॉज ओवरऑल एनर्जी होप की है। द स्टार को क्लैरिफाई करें एंजल्स। जजमेंट होगा आपके लिए आपके फेवर में और ये एनर्जी बहुत जल्दी आपसे रेजोनेट करेगी, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं। सो आपके लिए एनर्जी हैवी नहीं है, आपके फेवर में है, लेकिन आपके पर्सन के लिए पर्टिकुलरली एनर्जी काफ़ी हैवी है। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, आपको लेकर इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, इमोशनल फ्रीडम, द रेनबो रिवाइवर, जय महाकाल। यहाँ पे यूनियन आपस में नज़र आ रहा है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज लव एंड इंटीमेसी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी डिवाइन यूनियंस होने वाले हैं,
यहाँ पर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की वाइब्स है। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं रिलेशनशिप में, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है ये अपने अंदर लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है इनकी लाइफ में जिससे ये गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। ये शो नहीं कर रहे दुनिया को, ये रो कर नहीं दिखा रहे, आंसू नहीं बहा रहे, बट अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस दिन आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आएंगे ना, ये रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करेंगे 110%। यहाँ पर ये वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये दुनिया के सामने खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, खाना खाना, ऑफिस जाना, काम करना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, व्हाटएवर, जिस भी एज में हैं आपके पार्टनर, ये अपने हिसाब से अपना सारा रूटीन वर्क कर रहे हैं। बट जैसे ही अकेले होते हैं ना, इनका दिल रोता है, इनकी आत्मा रोती है, इनको ऐसा फील होता है कि काश कि मेरी लाइफ में वो हो जाए अचीव जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने करियर के साथ साथ अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आई हैं। प्लस फिज़िकल यूनियन भी यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो ऑलरेडी मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं या अनमैरिड हैं, बट आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर आप दोनों की डेट की एनर्जी है। जैसे आप कहीं मिल सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं एक साथ, कई ऐसे भी लोग होंगे जो लिव इन में रहते होंगे। तो यहाँ पर जिस भी एनर्जी में आप हैं, अगर आप दोनों की कोई मेमोरीज़ है एक साथ, अच्छी मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज़, यहाँ पर आपके पर्सन उन मेमोरीज़ को बहुत रिकॉल कर रहे हैं, और इवन आपसे बात करते टाइम ये हो सकता है कि उन चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ कि ये आपको मिस कर रहे हैं या ये मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं। ये वाइब्स यहाँ पर है। कुछ रोमांटिक पोस्ट आपको शेयर कर सकते हैं। लव की वाइब्स है। ट्रू लव अगर होगा तो आपका पर्सन एक्शन ओरिएंटेड होगा। अगर सिर्फ अट्रैक्शन होगा या अटैचमेंट होगी तो वो फिज़िकल यूनियन चाहेगा, लेकिन जहाँ ट्रू लव होगा वहाँ पर वो परमानेंट यूनियन की तरफ बातें करेगा या करेगी। सो आपको ये जज करना, हमेशा आपके लिए मैं गाइड करूँगी कि हमेशा परमानेंट यूनियन को फोकस ज़्यादा करें, ना कि टेम्प्रोरी यूनियंस को। ठीक है, देखते हैं इमीडिएटली आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, एंजल गाइडेंस थोड़ी बड़ी होती है कई बार, कई बार तो छोटी होती है, कई बार काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो अगर किसी को समय की दिक्कत हो तो वो एंजल गाइडेंस को स्किप कर सकता है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम एंजल गाइडेंस बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप नेक्स्ट एक्शन सुनकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एंजल्स चाहेंगे तो ही वो गाइडेंस आप तक पहुंच पाएगी। तो अगर आपको लगता है कि एंजल गाइडेंस बड़ी है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट एक्शन के बाद वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो जिनको ज़रूरत है वो पूरी गाइडेंस सुन सकते हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, इस रीडिंग को देखने के बाद इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, कोई वार्निंग हो तो बताएं, कोई ब्लेसिंग्स हो तो बताएं। कोई आना तो चाह रहा है, आ जाओ। ओके, बस यही आने वाले थे। ठीक है, तो पहला जो माइनर अरकाना वी हैव इज 7। सो 7 नंबर इज इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग में। 25 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है जो भी मैं बताऊंगी आपको। सो वी हैव 333 वाइब्स, वी हैव 66, ठीक है, 616, 717, 313, 333, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में।
ये भी नज़र आ रहा है बिकॉज वी हैव 786, 786 भी काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है, और 333 यहाँ डिवाइन गाइडेंस को दर्शाता है, विजडम को दर्शाता है, जुपिटर का नंबर है। तो आपको कहीं ना कहीं से कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिल रही है, या तो आप उसको स्किप कर रहे हैं और या तो अपने ब्लॉकेजेस पे काम नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है। सो जब भी आपको 333 बहुत ज़्यादा नज़र आए तो आप गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जो गाइडेंस आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके गुरु या गाइड की तरफ से, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप उसे फॉलो करेंगे तो अपने आप ब्लॉकेजेस हील होंगे और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेगा। यहाँ पर आपके पर्सन पेशेंस एंड प्लानिंग से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद डेविल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यहाँ आपके पर्सन प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे इमीडिएट एक्शन में, बट एक्शन कुछ ही लोगों के पार्टनर ले पाएंगे क्योंकि केयर फ्री कुछ ही लोगों के पर्सन हो पाएंगे, सबके पर्सन केयर फ्री नहीं हो पाएंगे। यहाँ कुछ लोगों के पर्सन जंजाल में अटके हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोगों के पर्सन के लिए इमीडिएट एक्शन में ऐसा लग रहा है जैसे किसी जेल में कैद हैं, जंजीरों में कैद हैं, या आप कह सकते हैं किसी, इसको क्या कहते हैं, तहखाना, तहखाने जैसी जगह है, बहुत बंधन है, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। आपके पर्सन प्लानिंग बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं या बनाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है जब तक सिचुएशन बैलेंस नहीं होती आपसे बात करके कोई मतलब नहीं है। तो जिनके भी पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं, हो सकता है अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ जाए। कुछ लोगों के पर्सन जो बिल्कुल बिंदास नेचर के हैं, आपको पता होगा कि हाँ मेरा पर्सन बहुत डेयरिंग है, वो किसी की सुनता नहीं या किसी की सुनती नहीं, अपने मन का करता है या करती है, तो आपका पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा, चीज़ें बैलेंस हो या भाड़ में जाएं। इनको ऐसी एनर्जी है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है, मैंने क्या पसंद किया वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। कुछ होते हैं बच्चे ज़िद्दी होते हैं, आप देखोगे बचपन में कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि उनको वो चाहिए तो वो ज़मीन पर लौट जाएंगे लेकिन उनको चाहिए। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बचपन से ही बहुत मैच्योर होते हैं, उनको अगर मदर ने कह दिया बेटा आज नहीं कल पक्का दिलाऊंगी तो वो मान जाते हैं, वो चले जाते हैं अपने मम्मा पर विश्वास करके। बट कुछ होते हैं जो बड़े ज़िद्दी होते हैं, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के पर्सन इमीडिएट एक्शन लेने वाले हैं और बहुत ताबड़तोड़ एक्शन लेंगे। यहाँ पर हार्ट अटैक एंड लॉस की भी एनर्जी है। इनकी लाइफ में फैमिली से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, फैमिली से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आपको ये बता सकते हैं कि फैमिली को मैंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ऐसी एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी बैलेंस बनाने के चक्कर में डीले पे डीले कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रैप्ड हैं, दिमाग इनका बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, इमोशनली किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, इनके खुद के ऐसे कर्मा हैं जिससे ये बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट जब तक वो कर्मा हील नहीं होगा तब तक सिचुएशन ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो अभी यहाँ वेटिंग एनर्जी है, 7 नंबर है, अगर 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर किसी का यूनियन होता है तो वो ये ज़रूर समझ ले कि आपका पर्सन डेयरिंग स्वभाव का हो सकता है, वो आगे भी चल के आपके लिए प्रॉपर स्टैंड ले सकती है या ले सकता है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। कुछ लोग एक साल से ऊपर से वेट कर रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सब कुछ वन साइडेड है, तो एक्शन लो, जो एक्शन लेना है, क्लैरिटी लेना है क्लैरिटी लो, कॉल करो सामने से, पूछो कि भैया आने वाले हो नहीं आने वाले हो, क्लियर बताओ। अगर आने वाले हो ठीक है, नहीं आने वाले हो इट्स अ बिग नो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलता है, वेरी गुड। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक साल या उससे ज़्यादा से वेट कर रहे हैं बट कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्लियर करिए, ऐसे एंजल्स के गाइडेंस है यहाँ पर। और बताएं एंजल्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू वरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला और चिंता की कोई बात नहीं है तब तो ठीक है, बट अगर आपने इन्फॉर्मेशन निकाला और आपको कुछ ऐसा पता चला जो कि आपके फेवर में नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ऐसे सिचुएशन में आप आगे बढ़िए। और कोई गाइडेंस, आने वाले सिचुएशन में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं बट अभी सही समय नहीं चल रहा, यू हैव टू वेट।
फॉर द परफेक्ट टाइमिंग एंड टिल देन मैनिफेस्ट करो. मैनिफेस्ट करने से जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी और आप दोनों का यूनियन बिना किसी ब्लॉकेज के संपन्न हो जाएगा. यूनियन होने के पहले, आपकी विश पूरी होने के पहले, कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस भी आपको दिखेंगे. कुछ साइंस आपको अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अल्टरनेट डे नज़र आने लगेंगे. आपके पार्टनर के ड्रीम्स आपको हर एक दिन छोड़ के एक दिन या लगातार 3-4 दिन नज़र आने लगे, तो ये पहला साइन है कि आपका यूनियन होने वाला है और उनकी एनर्जी आपको रीच आउट कर रही है. दूसरा इंपॉर्टेंट साइन, आपको बर्ड कपल्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे. बर्ड कपल्स रियलिटी में डव कपल अगर आपको नज़र आ जाए, मैं और किसी बर्ड की बात नहीं कर रही, न पिजन न कोई और, डव, वाइट डव अगर आपको नज़र आ जाए या स्वान कपल नज़र आ जाए रियलिटी में या ड्रीम में, आप समझ, या इवन पैरट के कपल नज़र आ जाएँ या पीकॉक के कपल नज़र आ जाएँ स्पेशली इन ड्रीम्स, तो ये चीज़ें 100% वर्क करती हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि मैम वीडियो में दिख रहे हैं. वीडियो में दिखने से नहीं होता, आपको ड्रीम में दिखना चाहिए, और अगर ड्रीम में नहीं तो रियलिटी में दिखना चाहिए. अगर रियलिटी में आपको दिख गया या ड्रीम में दिख गया तो आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है. इसके अलावा आपको स्काई में कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं. अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो आप उन मैसेजेस को पिक कर लेते हैं. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आवाज़ें आ जाती हैं, आपको आवाज़ किसी की सुनाई दे सकती है कि वो आ रहे हैं, या तो आपका पर्सन ही आपको सपने में कह सकता है या कह सकती है कि वो आ रहे हैं. तो ये भी एनर्जी आपको पता चल जाता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है. कई बार आपको बहुत सारे फ्लावर्स नज़र आ जाते हैं, खुशबू नज़र आने सूंघने को आपको फील हो जाती है. बिना आपके आसपास कोई फ्लावर हुए भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है, तो आप समझ लें कि एंजल्स आपके आसपास हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आने वाला टाइम खूबसूरत होगा. सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल मैसेजेस के साथ. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.